आप बीमार हो, आपके घर में कोई भी क्राइसिस हो, कंपनी में कुछ भी क्राइसिस हो, यू हैव टू पुट ऑन योर बेस्ट फेस, यू हैव टू पुट ऑन योर मेकअप एंड यू हैव टू स्माइल. एक्चुअली कैटरीना कैफ थी, उस पिक्चर था उसकी फोटो थी, बट इट वाज सच अ स्ट्रेंज विजुअल. कैटरीना कैफ इज देयर, आई एम देयर इन माय साड़ी. हर परिवार जो आया था मैंने, सब कहते हैं हमारे घर में भी एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है शार्क टैंक जैसा. तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप और शार्क टैंक सिनोनिमस बन गया. इनफैक्ट मैं ये शो के द्वारा सोनी टीवी को बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सीजन में और कपड़े दीजिए. टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द जजेस ऑफ शार्क टैंक इंडिया सीजन 3. थैंक यू. कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे. देखिए अभी तो मतलब सीजन की शुरुआत हुई है, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरा ये फेवरेट सीजन है. सब लोग कहते हैं मैं हूँ उसके, वैसा नहीं है. मुझे लगता है कि जेन्युइनली क्वालिटी ऑफ कंपनीज, जिस तरीके से उनकी एंगेजमेंट है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो देख करके बहुत मज़ा आ रहा है. और आई थिंक जिसमें हम ही नहीं कह रहे, आप कमेंट्स भी पढ़ेंगे तो काफी लोगों ने कमेंट्स पे भी डाला है कि प्रॉब्ली अब तक का बेस्ट सीजन है ये सीजन 3. तो हम फुल क्रेडिट ले रहे हैं शार्क्स फॉर दिस बीइंग द बेस्ट सीजन. हमें कोई मॉडल, आई एम द ओनली शार्क हु इज द ओल्डर शार्क, बिकॉज़ आप लोग तीनों न्यू हैं. तो आई विल आल्सो वाउच फॉर द फैक्ट दैट सीजन 3 इज डेफिनेटली द बेस्ट सीजन हर तरीके से. आई थिंक क्वालिटी ऑफ डील्स, द कंटेंट इज ग्रेट, द न्यू शार्क्स हैव एडेड अ तड़का एंड इट्स फैबुलस. तो न्यू शार्क्स को कोई एडवाइस मिला था पुराने शार्क से? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं सेट के अंदर में जब हमने शुरुआत करी तो मुझे लिटरली लगा ही नहीं कि हम लोग नए हैं, क्योंकि मुझे मैंने देखा कि लोगों को ऐसे ही मतलब जानते तो थे इंडस्ट्री से सब लोगों को पहले से मोर और लेस. इनफैक्ट नमिता से भी मैं मिला था, हम लोग बात कर रहे थे हार्वर्ड, बॉस्टन में 1.5 साल पहले. अमन तो मेरे शादी में आए थे, तो मतलब सबके साथ कोई ना कोई दोस्ती थी ही सही. तो पहली बार जब टैंक में आए तो दोस्ती थी, तो उन शार्क्स जो पहले से थे उनके अंदर एक बड़ा वो इंटरेस्ट था कि इन्हें मदद करते. तो पहले दो दिन मैंने जितनी डील्स करी वो शायद मतलब उसके बाद कभी इतनी ज्यादा नहीं करी, क्योंकि सबका था कि तुम्हारे को एक डील करा के देता हूं मैं, साथ में मिलकर के करेंगे एंड विल मेक यू सक्सेसफुल. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट ऑल द, बट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ रैगिंग आल्सो. इतना भी मतलब यू नो लेट्स नॉट मेक इट सो बोरिंग. किया मुझे नमिता, देखो सेट के बाहर में खाना खिलाती है, बहुत अच्छा खाना खिलाती है. आई एम वेरी सैड आई डिडंट ओवरलैप विद नमिता बिकॉज़ आई डिड नॉट गेट दिस, बिकॉज़ वो खाना लेके आती है लाइक सॉरी भाई खाना पीपल. और एक्चुअली अच्छा खाना नहीं, एक ही जना खाना लेके आता है. यू हैव नो चॉइस. हां व्हेन शी इज नॉट देयर बिकॉज़ आई हैड द नॉन नमिता एपिसोड. हां वो मतलब फिर आप लोग कहते थे अगर नमिता यहां होती तो खाना होता, अगर होती तो. अरे आई एम अ गुज्जू यार. गुज्जू का मतलब यू नो वो डीएनए में होता है, खाते भी बहुत है खिलाते भी बहुत है. नमिता के साथ जो भैया आते थे उनके ऊपर सब लोग नजर रखते थे कि कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, क्योंकि नमिता तो मतलब उतना कंट्रीब्यूट नहीं करती अदर देन टेलिंग हिम कि खाना आना है. बट वो अगर आ गए तो हम सबको वी आर वेल फेड. तो नमिता इज द ग्रैंड मा ऑफ द शो फीडिंग एज काइंड ऑफ, बट मेक्स मी फील रियली ओल्ड, बट या ज्यूइश मॉम. नमिता इस बार आप खुश हैं क्योंकि यू नो यू हैव गॉट द चांस टू चेंज द ड्रेसेस जो सीजंस में नहीं थे, सेम ड्रेस. ओ यार थैंक गॉड. इनफैक्ट मैं ये शो के द्वारा सोनी टीवी को बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सीजन में और कपड़े दीजिए. और देखो मुझे एक ही पहनाया हुआ है, यही डॉल्फिन को बैठा रखा है पूरे शो में. अच्छा यू वांट टू, आई वाज वेयरिंग दिस रूपी साड़ी व्हिच आई रियली एंजॉयड ऑन डे 1, देन आई वाज लाइक डे 2, देन आई वाज लाइक डे 3, नाउ इट्स सिटिंग एट होम. मैं कभी उस रूपी साड़ी को दोबारा नहीं पहनूंगी. प्लीज देयर आर मेनी साड़ीज टू वेयर, लेट मी वेयर मोर. देखो मैंने देखा है कि जो वुमेन है उन्हें नए नए कपड़े दिए जाते हैं और रिकमेंड भी किया जाता है. हमें कहते हैं आपको एक पहना दिया है, यही उसी तरीके के 2-3 टी-शर्ट दे दिए, आप बदल के पहन के आ जाया करें. बट आपको अजहर को तो आई मीन कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं, यू नो दे वांट गर्ल्स वांट टू मैरी यू. अरे ही इज मैरिड एंड ही किड शादी होता है भाई. देखिए अभी 1 साल पहले ही शादी हुआ है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बच्चा भी हो गया है, मैं 10 साल से ज्यादा डेट कर रहा था उन्हीं के साथ में, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है. गुड यू क्लेरिफाई उन्हीं के साथ में. तो अजहर आपके लिए सारा रिकमेंडेशन. अजहर इज वेरी मच सिंगल एंड रेडी टू मिंगल. प्लीज आस्क ऑल द वुमेन फॉलोअर्स यहां से डाइवर्ट करके चले जाए. अजहर व्हाट वाज द प्रपोजल आया आपके पास? कोई प्रपोजल्स आया आपके पास? कोई बहुत सारे हैं मतलब. अजहर इज नॉट रिवीलिंग, अजहर इज जस्ट ब्लशिंग. कुछ चीजें कहते हैं ना, कुछ चीजें प्राइवेट ही रख लेते हैं. सीजन 2 तक, अब नेक्स्ट सीजन तक आने दीजिए, फिर देखते हैं कितना प्राइवेट रहता है. सो गाइस आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू ऑल कि जब आप शार्क टैंक में आए तो कितना कुछ बदल गया है, अगर मैं प्रोफेशनल जर्नी की बात करूं तो कुछ चेंज हुआ है वहां पे? आई थिंक इट्स फनी बिकॉज़ शार्क टैंक ऐसा शो है, आई डिडंट रियलाइज इसको इतने बच्चे देखते हैं
एंड स्पेशली इतनी विमेन मदर्स मदर इन लॉज टाइप. सो अभी मैं दो दिन पहले अपने कोई प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में गई तो वहाँ हमारे IFAs इन्वेस्टर्स आते हैं. सडनली मैं देख रही हूँ वहाँ 7-8 साल के 2-3 बच्चे 2-3 लड़कियाँ प्रेजेंट है. मैंने कहा आप तो म्यूचुअल फंड बेचने वालों में से नहीं हो तो आप क्यों आए. कहती है नहीं आपको देखा शार्क टैंक में तो एंड शी सेड आप मुझे बाकी शार्क से भी मिला सकती हैं. सो स्वीट. सो आई थिंक शो हैज अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. तो अलग अलग सेटिंग्स में आपको लोग देखते हैं प्यार करते हैं तो वी आर जस्ट रिसीविंग द लव. यस. एंड यू रितेश. देखिए मैं दो चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मेरा पहला सीजन है तो आई कैन सी द डिफरेंस. यस. मुझे लगता है कि एक जो यूनिक कॉन्टेक्स्ट है जो इन्होंने बताया यंग लोगों की मैंने देखा है कि जो टीनेज इकोसिस्टम है क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी मैंने भी 18-19 साल की उम्र में शुरुआत करी थी पर तब इट वाज नॉट नॉर्मल. जनरली उस समय लोग मतलब अपने दूसरे काम में ध्यान रखते हैं और मिड 20s से 30s वर द राइट टाइम जब कंपनी शुरू करते थे लोग. अभी मैंने देखा है शार्क टैंक को देख करके टीनेज एंटरप्रेन्योर्स में इतनी बड़ी रैपिड ग्रोथ हो रही है. मैं मतलब टीनेजर्स मिलता रहता हूँ लोगों से कहते हैं मेरे पास बिजनेस आइडिया मैंने काम भी शुरू कर दिया है एंड आई एम इन दैट पाथ. एक वो है और दूसरा मैं इंटरेस्टिंग चीज देखता हूँ आपने देखा होगा रोडबेज एक कंपनी जिसपे हमने डील करी वो सहरसा बिहार से है. yes. छोटी गांव है वो बिहार. yes, में. yes. मैंने देखा कि वो शो एयर होने के बाद मतलब मुंगेर मतलब ऐसे 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 गाँव से मुझे मैसेजेस ईमेल्स लेटर्स आ रहे हैं बिहार से जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मेरे पास भी बिजनेस आइडिया मैं भी ऐसी चीजें करना चाहता हूँ. तो मुझे लगता है कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं जहाँ पे टैंक पहुँच करके लोगों को इंस्पायर कर रहा है पर उसके साथ साथ लोग ऑफ कोर्स शो के मज़े भी लेते हैं. हाँ. मतलब पहली बार इंटरनेट में मुझे कभी कभी लोग ऐसे लिंक्स भेजते हैं अपने बारे में जिसको देख के मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. तो किसी ने भेजा कि देखो इनके बाल मतलब जेल लगाने से तुम्हारे बाल वैसे नहीं होंगे क्योंकि ये तो शार्क फिन है तो शार्क बनना पड़ेगा उसके लिए. तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने कभी सोची नहीं थी लोग सोच पाते हैं. तो मेरा पहला मीम बन गया. क्या बना आपका मीम? हाँ, देयर वाज अ मीम. सो आई आस्क्ड दिस ऑन AI कवच कि आप क्या प्रॉब्लम स्पेसिफिकली सॉल्व करना चाहते हैं एंड दे सेड आई वाज लाइक अ थेरेपिस्ट. व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू अ थेरेपिस्ट एंड हैज टू मेनी प्रॉब्लम्स राधिका इज द थेरेपिस्ट. सो दैट मीम इज गोइंग अराउंड इन ऑल थेरेपिस्ट. एक्चुअली मैं भी यूज करूंगा कि मतलब आपके साथ इट्स बीन 2 years, 2 seasons. तो व्हाट हैज चेंज्ड फॉर यू? You know, this season we're going IPO and a lot of things are happening. Yes. So I did only 50% of the episodes. So that's a big change. It's good to have a little breather because 15 hours a day shoot, sometimes it really it's gets crazy. Exhausting. People don't see that behind the scenes. But the fun part was that there's still tremendous learning because you see founders, matlab itne alag industry se founders aate hain ki you still continue learning. And is baar bahut sara learning hua from new sharks, new perspectives, new thinking. To maza aaya. I had a great time. As of you? मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. मतलब मैं इस सीज़न का बोलूँगा तो आई थिंक मैं काफ़ी हद तक इसमें रितेश के साथ इको कर रहा हूँ चूँकि मैं भी एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ. तो शार्क टैंक का जो पेनिट्रेशन है बहुत छोटे शहरों तक जा चुका है. तो वहाँ पे वहाँ के लोग ड्रीम करना शुरू कर चुके हैं जो मेरे अकॉर्डिंग से काफ़ी अच्छी चीज़ है. राइट राइट. इफ़ आई कैन आस्क कि व्हाट आर द करंट मार्केट ट्रेंड्स जो लोगों को पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स दे शुड नो अबाउट इट. इस बार वी वर मेकिंग फन बिकॉज अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आते थे और बस AI just naam ke waaste AI डाल देते थे and there was crazy. No AI in that business model. तो ये थोड़ा सा bluff master जैसे हो गया कि AI and artificial intelligence has become such a buzzword. AI से आपकी trend हमने देखा in season 3 and काफी सारे फेकू भी थे. I mean there was no AI in the business. So इसका flip side मैं आपको बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स मैंने देखा जो लोग अपने जमीन से जुड़े हुए हैं यानी अपने कस्टमर से रेगुलरली मिलते हैं अपने बिजनेस से जुड़े हुए रहते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी ना झलकती है. और मैंने देखा कि हालांकि जो मेरे व्यूज हैं मतलब जैसे मैं और अपने मॉम डिस्कस करते हैं कई बार क्योंकि वो शार्क टैंक पहले सीजन से देखती हैं मेरे से ज़्यादा देखती हैं तो कई बार वो मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से भी डिसएग्री करती हैं. तो मैंने देखा है कि उसके अंदर में व्यूअर्स का अपना ओपिनियन हो सकता है पर ऑथेंटिसिटी को लेकर के शार्क्स का और व्यूअर्स का ओपिनियन जनरली सिमिलर रहता है. तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी ऑथेंटिसिटी दिखाई देती है. आई थिंक धंधे की पकड़ होना ना
इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. लोगों को लगता है कि आप एक बहुत फैंसी तरह एक भाषा देके एक पिच नंबर्स ऑल ऑफ दैट, बट एक बेसिक धंधे की पकड़ होना कि मैं कौन सी कस्टमर की प्रॉब्लम, सॉरी माई मीम अगेन, सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिटेबली उसको कर सकता हूँ, मेरे में रेजिलियंस है, मेरे में एग्जीक्यूशन है. लोग यही देखना चाहते हैं. इसको बेसिक धंधे की ग्राउंड की पकड़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. मैं और अजहर अभी यही बात कर रहे थे. और अगर जार्गन नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं है. आपको कम से कम समझ में आना चाहिए बेसिक्स क्या है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने शुरू करी मुझे इबिड्डा का मतलब नहीं पता था. तो एक इन्वेस्टर ने पूछा कि व्हाट विल बी योर इबिड्डा इन 3 years. तो मैंने कहा कि मैं एक दिन समझ के आता हूँ इबिड्डा क्या होता है. फिर बाद में समझ में आया तो नफा नुकसान ही बोल रहे हैं, अर्निंग बिफोर और उसमें तीन चीज हटाने की बात करें. तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये क्या है. तो टर्म नहीं पता पर कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि नफा नुकसान की बात हो रही है. बेसिक पूरी पूरी ग्राउंड की चीजें आपको कस्टमर्स आपका समझ में आना चाहिए, बेसिक नफा नुकसान. और इतना आई थिंक हर किसी को समझ में आता है वो. उसके आगे की चीजें सीख लो, अच्छी बात है. अगर नहीं भी आता है, कस्टमर समझते हो तो जरूरत नहीं. ज्यादा एम्बेलिशमेंट्स किया बिना, दिस इज सिमिलर स्टोरी. आई वाज आस्क्ड 6-7 years अगो कि आपका मोट क्या है, राइट टू विन, ऐसे लोग शब्द यूज करते हैं. आई सेड मुझे नहीं पता है 33 में. आई सेड हम चप्पल ज्यादा घिसेंगे, हम मेहनत ज्यादा करेंगे. समटाइम्स दैट इज इनफ. करेक्ट. हमने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था आज एंड पूछा था कि आपको क्या सवाल पूछना, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या सवाल पूछोगे शार्क टैंक के जजेस से. तो उनका सवाल ये था कि आप लोगों ने ऑडिशन कैसे दिया. उन लोगों ने पूछा आपसे कि ऑडिशन कैसे दिया फर्स्ट, सेकंड, देन कैसे, कितने सारे लोग और थे आपके साथ, एंड हाउ डिड यू गाइस गॉट सेलेक्टेड. तो इसके लिए तो आपको बिमल से बात करनी पड़ेगी. when was that time जब आप लोगों को. I can tell you my audition story. तो मैं, I think Bimal had called me. एक तो उन्होंने हिंदी स्पीकिंग का कुछ फ़ोन पे जज कर लिया था. देन ही कॉल्ड मी टू यशराज स्टूडियोज. ये थोड़े टाइम की बात है. और मैं बहुत हैसल्ड थी उस दिन, साड़ी वाड़ी पहन के ऑफिस से आ रही थी. एंड आई एंटर्ड अ सेट ऑन यशराज स्टूडियोज और वहाँ कटरीना कैफ की ना वो एक गाने में, कौन सा कोई गाना है यशराज, धूम 2 का गाना या धूम 3 का, उनकी फोटो थी और माधुरी दीक्षित की कोई फोटो थी और ऐश्वर्या राय की है. एंड दे सेड यहाँ हमने एक शार्क की चेयर लगा दी है. एंड एक सीजन 2 का जो पिक्चर है ना, हुवू, द फ्लावर वन, दे मेड मी एक्चुअली डू द ऑडिशन देयर. एंड आई वाज अलोन एंड वाज लाइक इन माय साड़ी विद कटरीना कैफ स्टेयरिंग एट मी इन हर 6-pack. नहीं, एक्चुअली कटरीना कैफ थी उस पिक्चर था. उसकी फोटो थी, बट इट वाज सच अ स्ट्रेंज विजुअल. कटरीना कैफ इज देयर, आई एम देयर इन माय साड़ी. And these hoo-hoo girls are there and they were fabulous. So that was my audition. It was damn funny. And you guys remember if... क्या exactly आप क्या बयान करना चाहेंगे? जब आप audition कैसे हुआ था आपका? देखिए इसमें तो मतलब मेरे केस में तो अभी जो टीम थी इनकी ऑफिस ही आए थे. तो एंड देन हम लोग ऑफिस में ही मेरे मिले थे. वहीं पे वी हैड अ डेमो शूट, मतलब एक दिन का था वो. अच्छा, सो इट वाज नॉट एज ड्रामेटिक एज कटरीना कैफ ऑन द वॉल. इवन आई थिंक यू हैड द मोस्ट ड्रामेटिक वन. मेरा भी बहुत बोरिंग था. मेरे केस में ड्रामेटिक था ही नहीं. तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक स्टेप पीछे जाता हूँ मैं. तो मेरी सबसे पहली बार बात हुई थी सीजन 1 में. एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई हैव टू गिव इट टू द शार्क्स एंड द टैंक. आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पैक्ट किया, मुझे लगता है कि मैं और शायद कोई भी इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था. तो सबसे पहले तो आई हैव टू गिव इट. जब इस सीज़न में मैं जयपुर गया हुआ था एक दिन, तो शाम को आप लोग सब अपने बिजनेस में अपने पार्टनर्स दोस्तों से डिनर करते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, तो उस दिन डिनर कर रहे थे. हर परिवार जो आया था मिलने, सब कहते हैं हमारे घर में भी एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है शार्क टैंक जैसा. तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप और शार्क टैंक सिनोनिमस बन गया. तो मुझे लगा कि पहली बार मतलब भारत में एंटरप्रेन्योरशिप इतनी तेजी से डेमोक्रेटाइज हो रहा है और शार्क टैंक उसका इतना बड़ा नीडल मूवर है. तो अगर मैं उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ. तो वो मेरा चेंज इन हार्ट था सबसे पहले. एंड मैं एडमिट करना चाहूँगा कि मतलब आई वॉज जेन्युइनली क्वाइट अमेज विथ हाउ वेल यू नो दे ऑल क्रिएटेड. क्योंकि हम लोग आज आकर के इनके बहुत अच्छे काम का एक्सटेंशन लेकर के जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो आई थिंक यू गिव इट टू देम. जो दूसरी चीज़ है, मुझे लगा कि जो स्पेसिफिकली ऑडिशन की है, आई थिंक मैंने कहा कि मुझे जेन्युइनली आप एक एंटरप्रेन्योर से मिलवाना. तो मुझे एंटरप्रेन्योर मिले और वो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर थे जो पिच कर रहे थे. तो मुझे वो कंपनी बड़ी पसंद आ गई. तो मैंने कहा कि इनसे इन्वेस्टमेंट की बात की जा सकती. तो बट आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा था. वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हो जाए. हमारी डिस्कशन चल रही. मुझे लगता है कि मोर देन दैट मेरे लिए जो वो प्रोसेस था
उसमें मैंने ये देखा कि द अमाउंट ऑफ वर्क, लोग तो सिर्फ वो एक शो देखते हैं, उसके पीछे इतनी मेहनत लगती है कि लोग मतलब एंटरप्रेन्योर्स को स्काउट करने जाते हैं कई शहरों में. हमारे यहाँ पे शायद समय नहीं होता, उसलिए दिखाते नहीं कि जैसे इंडियन आइडल जैसे कई शहरों में जाते हैं ना स्काउट, इस पर भी वही होता है. एंटरप्रेन्योर्स से मिलते हैं, कई लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस होता है. तो लोग मुझे कई बार जैसे कॉमेंट्स में भी कहते हैं कि रितेश आप इतने अच्छे क्यों एंटरप्रेन्योर्स के साथ. मैं कहता हूँ कोई इंसान अगर इतने लेवल पार करके आए, इतने प्रोफेशनल्स रिव्यू करके आए हैं, तो कुछ तो उनमें होगा ना. अगर उसके बाद में आप उन्हें एनकरेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है उनके बिजनेस में अगर कुछ कंसर्न है तो आप ऑब्जेक्टिवली उनको फीडबैक दें, उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है. पर मुझे लगता है वो इंडिविजुअल वर्सेस उनके बिजनेस के बीच में डिफरेंस रखना चाहिए. तो वैसा मेरा ओपिनियन है. इजी दैट टैंक का सेटअप इज इंटिमिडेटिंग मेरे हिसाब से. वो आके पांच हमारे लिए इंटिमिडेटिंग होता है, हमारे लिए इंटिमिडेटिंग होता है. वो पांच लोग चेयर पे बैठ के शार्क के नाम से आपसे बार बार कुछ पूछे जा रहे हैं. आई डोंट थिंक इट इज द इजीएस्ट सेटअप. कोई भी घबरा सकता है. हमारे शो रनर पूना आए थे एंड ही स्पोक टू मी एंड देन वन ऑफ द शार्क टैंक टीम्स ओनली पिच्ड एंड आई आस्क्ड देम अ फ्यू क्वेश्चंस एंड इट वाज डन. सो इट वाज वेरी एंड वी हैड अ ग्रेट लंच एंड कन्वर्सेशन. सो इट वाज वेरी सिंपल एंड वेरी एफर्टलेस. मे बी बिकॉज दैट वाज सीजन 1 बट मोर देन दैट सीजन इट गेट्स मोर ड्रामेटिक मे बी बट मोर देन दैट नमिता नोज वेरी वेल कि दिल का रास्ता पेट से होकर उन्होंने लंच मेंशन किया फिर से. बट कोई ऐसा मिथ था यू नो शार्क टैंक से आने से पहले एंड देन यू गॉट दैट क्लियर जब आप आ गए शार्क पे? देखिए मेरे हिसाब से कई चीजें जो है मिथ्स तो नहीं पर यू हैव टू बी देयर टू बिलीव इट. क्योंकि मतलब काफी अनरियल लगता है कि कोई एंटरप्रेन्योर आकर के थोड़े मिनट्स पिच करे और लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें. पीपल एवरीबॉडी सीम्स टू थिंक स्पेशली इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड दैट हम लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है एडवांस में. दे रिफ्यूज टू बिलीव बिकॉज़ इन आवर वर्ल्ड लिसनिंग अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एक पिच कुछ एक डेढ़ घंटा चलता है जिसे लेते हैं तो और उसमें एवरेज में लेते हैं तो 70-80 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है. तो टेक्निकली एवरी मिनट पे 1 लाख रुपए का वहाँ डिसीजन चल रहा होता है अगर आप लेंगे तो. बट अनदर मिथ ऑल्सो आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू फॉर यू गाइस बट माई रिस्पेक्ट और आप तो भरजातिया ग्रुप से है. माई रिस्पेक्ट फॉर द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड हैज गॉन अप. आप बीमार हो, आपके घर में कोई भी क्राइसिस हो, कंपनी में कुछ भी क्राइसिस हो, यू हैव टू पुट ऑन योर बेस्ट फेस, यू हैव टू पुट ऑन योर मेकअप एंड यू हैव टू स्माइल एंड दैट्स नॉट ऑलवेज ईजी. यू नो 15 घंटे आप दिन में शूट कर रहे हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज इन लाइफ. I've never done so much hair and makeup in my life. अपनी शादी में नहीं किया. There have been times I've had high fever. Yeah, and you do it. There have been times there's been a crisis at home and crores are riding on you and you can't cancel and you have to come there and just do it. Block all that. So I think my respect for the whole entertainment industry and how professional it is and how organized it is and how hardworking they are. You know, business ki duniya mein rehke hame ye dikhta nahi hai entertainment ki duniya. So all of you. Like the perfection for a single shot ki saadi theek nahi hai, dress theek nahi hai, the people on the crew that itna effort. Experience aisa tha, kid in a candy store. Main itna excited tha ki itna bada set hai. इतने एक्साइटिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे सारे दिन हो रहा तो मैं बस मतलब बड़ा एक्साइटेड बैठा रहता था कि मतलब दिस इज सो इंट्रीगिंग एंड न्यू. तो मतलब फैसिनेटिंग. प्रोडक्शन इज वेरी हार्ड वर्क यार. लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द क्रू हु डज दिस. जैसे अजर आपने बोला पिच के बारे में, मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें हमें 2 या 3 ही पिच दिखाया जाता है पूरे या 3 से 4 दिखाया जाता है? बट आई वुड लाइक टू नो कि पूरे दिन का कितना पिच होता है जो आप सुनते हैं, आप लोग चारों सुनते हैं अखबार? टिपिकली अगर बोलेंगे तो 6 पिचेस होते हैं, 9 से 10 घंटे का शूट होता है तो 1.5-2 घंटा टिपिकली एक शूट का एवरेज टाइम ले सकते हैं. 1 घंटा भी रहता है कम रहता है मोटा मोटा. बट उस 1 घंटे में मतलब अगर देखेंगे तो उस एंटरप्रेन्योर के लिए भी और सारे शार्क्स के लिए भी उस 1 घंटे में वो डिसीजन लेना है दोनों को. मतलब कहीं ना कहीं उसे 1 घंटे में कन्विंस करना है, उस 1 घंटे में डिसीजन होता है. तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, टफ भी है, चैलेंजिंग भी, जैसे भी लेंगे उसको. बट चैलेंज को फेस कैसे करते हो आप लोग? यू नो इतने सारे रहते हैं, सबका अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स. आई थिंक मैं तो बोलूंगा मोर देन अस इट्स मोर जिसके कारण से अभी थोड़ी हम लोग पहले बात भी कर रहे थे. एक एंटरप्रेन्योर वहां पे आके काफी बार घबरा जाता है, बहुत सारे लोगों को आंसर नहीं कर पाता क्योंकि उसको दिख रहा है कि उसके इस 1 घंटे में उसकी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन, एक ऐसे डिसीजन हम 5 लोग लेंगे जो उसकी लाइफ को बहुत हेवीली इंपैक्ट करेगा. हमें तो बैठ के डिसीजन देना है वहाँ पे, तो हमारे लिए तो इट्स मच इजी. हम एग्जामिनर हैं टेक्निकली, तो उसके लिए तो उतना टफ नहीं होता. जो एग्जाम दे रहा है उसके लिए टफ चीज होता है. एंड पीपल विल जज हिम, होल नेशन इज वॉचिंग दैट बिजनेस ऑल्सो. चाहे उसे फंडिंग मिले या ना मिले,
होल नेशन इज वॉचिंग दैट बिजनेस ऑल्सो एज अ कंज्यूमर. बहुत प्रोडक्ट्स तो मैंने शार्क टैंक की वजह से घर में लिए हैं, जैसे पास्ता हो, चॉकलेट हो, बहुत प्रोडक्ट्स तो देख के मैंने लिए, चाहे वो फंड हो या ना हो. बट नॉर्मली आप लोग सबको कितना टाइम लगता है यू नो टू टेक अ डिसीजन? Depends on whether you have pakao sharks or not so pakao sharks. Depends. You know, some people go in a lot of depth and then a pitch will go on for 1.5 hours, sometimes, you know, even 1 hour, 45 minutes. And there's some sharks who are very efficient and quick. Then you get done. There have been some panels where the average time per pitch has been 50 minutes and some panels where the average time per pitch has been 1 hour 45 minutes. So it really depends on the sharks. AI coverage jisme light chali gayi thi wo 2 ghante chali. Ha bhai to light jaane ke karan thi. Main aapko batata hu jitne panels mein main raha hu wo average hi 45 50 minutes ka chala hai. To mere hisab se dekhiye do cheeze main karne ki koshish karta hu. Ek to main pehli bar entrepreneur ka pitch suna maine, fir uske baad usme invest kiya. तो बाद में इन्वेस्टमेंट के समय में मैं एंटरप्रेन्योर से बात करा तो उन्होंने कहा कि आप स्माइल करते रहते हो ना, तो मुझे उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है. तो उसके बाद से मैंने सोचा कि जब मैं पिच सुन रहा हूँ तब मैं एंटरप्रेन्योर अगर थोड़ा भी घबराएगा तो मैं एंटरप्रेन्योर की तरफ देख करके उनको कॉन्फिडेंस देते रहूँ. उसके बाद में मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना डिसाइसिव जल्दी डिसीजन लिया जा सके उतना लूँ, और मैं देखता हूँ कि जो भी शार्प डिसाइसिव डिसीजन लेते हैं उनकी डील भी ज़्यादा होती है. तो मुझे लगता है कि मोस्टली काफी डिसाइसिव और फास्ट है शायद. आई टेंड टू बी वेरी डिसाइसिव आल्सो. दैट राधिका तो मतलब इज टॉप क्लास. योर फेवरेट शार्क टैंक मोमेंट? यू नो मेरा शार्क टैंक मोमेंट, या इन ओवरऑल दिस सीजन, दिस सीजन और द प्रीवियस ऑल सीजंस पुट टुगेदर? अभी तो आप सबके साथ बता दो, आप फिर बाद में बताना अपना पूरा. हां आई कांट. फेवरेट शार्क टैंक मोमेंट, आई थिंक द फर्स्ट डे फॉर मी बहुत मेमोरेबल रहेगा, बिकॉज़ लाइक रितेश सेड ना, I didn't know what to expect, that coming out of the van, that मैंने welcome भी किया था, आपने welcome किया था, that coffee, that just meeting everyone, entering a new country, new world. I think that first day बहुत memorable रहेगा, unforgettable. देखिए मेरे लिए तो सबसे favorite investment या pitch थी Roadbase. I think वहाँ पे जो entrepreneurs थे उनकी कहानी और कई लोग उसे relate भी कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ just जितना honesty था उस discussion के अंदर में कि मैंने तो ये YouTube से सीख लिया है, मेरी पिछली कंपनी मेरे को जो है देनी पड़ गई. right. तो मुझे लगता है कि वो मुझे लगता है कि Roadbase मेरा अभी तक का फेवरेट है, पर ऑफ कोर्स आप और एपिसोड्स देखने वाले, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी. आई आल्सो बाय द वे मुझे रॉनी स्क्रूवाला के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला ऑन द लास्ट वन ऑफ द लास्ट पिचेस. मुझे वो बहुत मेमोरेबल लगा, बिकॉज आई थिंक एक जो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस इंसान की होती है ना, जब वो सेट एंटर करते थे पूरा सेट बदल जाता था, बाकी पूरा टैंक ही अलग था. इट वाज लाइक शूटिंग अ डिफरेंट, सब शार्क्स का बिहेवियर भी बदल जाता था. इट वाज इट, ही इज अ लेजेंड. सो आई थिंक दैट अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू. मैंने बाय द वे रॉनी के साथ में एक वीडियो शूट करी थी 5-6 साल पहले. हां दैट वाज हिज फर्स्ट इंटरव्यू व्हिच वाज इन ऑल हिंदी. ओह देयर वाज अ लॉट मोर इंग्लिश ऑन हिज एपिसोड व्हेन वी शॉट. तो हमारा वो इंटरव्यू में कंडीशन ये था कि हम दोनों हिंदी में बात करें. मैंने कहा मुझे तो बहुत नेचुरल है. रॉनी ने कहा ये सही में हिंदी में करना है, बट इट वाज एन एंटरप्रेन्योर का, तो उन्होंने कहा ये ठीक है, मतलब वी विल ट्राई. तो वो काफी वायरल उसी चीज के लिए हुआ कि रॉनी ने पूरा हिंदी में बात कर रहे हैं. ये सॉरी रॉनी इज अमेजिंग. आई मीन आई वाज बम्ड कि मुझे चांस नहीं मिला, बट ही इज डेफिनेटली अ लेजेंड एंड आई कैन इमेजिन इट मस्ट हैव बीन ब्रिलियंट. मेरे यू नो दैट नाभी shaper, those kind of pitches jab aate hai, to we laugh like crazy. I mean, those pitches are always great because they're crazy, kooky, mad. Khane ke pitches maza aata hai because we get to eat and we all bookards there, we're all hungry, so we're just busy eating, then pata chalta hai, oh, I have to ask a question. So I think those are fun pitches, and then you'll see us cooking, you'll see us I made lipstick. Doing art, you'll see us trying I made wigs. Lipstick, yeah. 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 Oh, I made, oh, sorry, I was not supposed to say that. मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो नॉन स्मेलिंग सॉक्स बनाते थे. तो मुझे काफी फनी सा और काफी यूनिक सा प्रोडक्ट लगा था. तो वो मेरे को एक अच्छा प्रोडक्ट लगा था कि ये, और उनके कपड़े थे मतलब बेसिकली नॉन वॉशेबल जीन्स वगैरह बनाते थे. तो मुझे लगा कि इसका यूज कुछ कुछ एरियाज में काफी ज्यादा हो सकता है. मतलब अगर जैसे उनके कपड़े जो होते शर्ट्स थे उनमें दाग नहीं लगता है, तो बच्चों के लिए प्रॉब्ली, या फिर हॉस्पिटल्स में, या काफी और जगह मुझे लगता है कि इन चीजों का यूज काफी स्ट्रांगली हो सकता है. करेक्ट करेक्ट.